हाय फ्रेंड्स, मैं श्री अपने चैनल स्टडी फूड्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पौष्टिक अचार की रेसिपी, यानी कि लहसुन के अचार की रेसिपी। लहसुन जो होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, इसके चलते क्या होता है हमें हार्ट की बीमारी नहीं होती है, हमारा मोटापा कम होता है, उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हमको अक्सर लगे रहते हैं, तो अगर हम एक लहसुन की कलियां डेली निगल लें तो हमें जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा मौसम चेंज हो तो लहसुन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसी तरह से लहसुन बहुत सारे, उसका डाइजेस्ट सिस्टम को भी हमारे बहुत अच्छा करता है। तो लहसुन के बहुत सारे फायदे हैं, ये तो हम सभी लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लहसुन के अचार की रेसिपी बताने वाली हूँ। हो सकता है कि जो लोग लहसुन ना खाते हों वो लोग लहसुन का अचार खा लें तो उनको भी फायदा मिलेगा, है ना। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने किचन में लहसुन का अचार बनाने। लहसुन का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें लहसुन को छिलना होगा। तो लहसुन को छिलने के लिए मैं लहसुन के ऊपर के हिस्से को काट के निकाल देती हूँ, तो नीचे का ये जो छिलका है आसानी से निकल जाता है। आप इसको पानी में भिगो के भी इसके छिलके निकाल सकते हैं, बट अगर आप पानी में भिगो के इसके छिलके निकाल रहे हैं लहसुन के, तो उन लहसुनों को आप धूप ज़्यादा दिखाइए, नहीं तो हो सकता है कि अचार आपका जल्दी ख़राब हो जाए। आपको पता है कि लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देता है। उससे भी बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर्दी जुकाम बुखार में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके अलावा शुगर को नहीं बढ़ने देता, टीबी जैसे रोगों को पनपने नहीं देता हमारी बॉडी में। ये देखिए हमारा लहसुन छिल गया है, अब हम इन लहसुनों को काट ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने जहाँ तक पढ़ी है, आप लहसुन के फ़ायदे आप लोग जानते ही होंगे कि कितने सारे फ़ायदे होते हैं। हम लोग बचपन में जब हम लोग सर्दी जुकाम वगैरह होता था तो मेरी मम्मी कहती थी कि सुबह सुबह एक लहसुन आप निगल लीजिए। बहुत सारे लोग लहसुन नहीं खाते हैं, तो हो सकता है मे बी कि वो लोग अगर लहसुन का अचार, हो सकता है लहसुन के अचार में स्मेल न आए, तो हो सकता है मे बी वो लहसुन खा लें, ऐसे खा लें अचार के तौर पर। अब हम इसको रख दे रहे हैं धूप में, आधे घंटे तक के लिए हम इसको रखेंगे, आधे से पौन घंटे मुश्किल से। उतनी देर में लहसुन के अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक लहसुन धूप में सूख रहे हैं तब तक हम आपको मसाले दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमने एक चम्मच अजवाइन ले लिया है, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, ये सफ़ेद नमक है, ये है हींग, ये है राई यानी कि काली सरसों, आप इसकी जगह पीली सरसों भी ले सकते हैं, ये है हल्दी, ये है धनिया, ये एक टेबल स्पून है, ये है मेथी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है काला नमक। इन मसालों के अतिरिक्त मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। आप खट्टेपन के लिए नींबू का रस या साइट्रिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लहसुन का अचार बना सकते हैं। अब मैं इन मसालों में जो खड़े मसाले हैं उन मसालों को थोड़ा थोड़ा मैं सिर्फ उसमें से थोड़ा मॉइस्चर उनका ख़त्म होने तक, यानी कि उनके अंदर जो थोड़ी बहुत भी नमी होगी उसको ख़त्म होने तक हम इसमें भून लेंगे, यानी इसको चटकने नहीं देंगे हम किसी भी खड़े मसाले को। ये देखिए हमने धनिया डाल दिया है, इसको भी हम चटकने नहीं देंगे। हम जितने खड़े मसाले हम भूनेंगे उसमें से सिर्फ थोड़ी सी नमी ख़त्म होने तक हम उनको भूनेंगे। हमारा धनिया देखिए भून गया है, अब हम इसे निकाल ले रहे हैं। अब इसी कढ़ाई में हम जो बचे हुए मसाले हैं उनको भी डाल देंगे। तो हम सबसे पहले राई डाल दे रहे हैं, इसको भी हम बस इसकी थोड़ी सी नमी ख़त्म होने तक इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारी राई भी भून गई है, इसको हमने पूरा काला नहीं होने दिया है, बस थोड़ी सी हमने इसकी नमी बस ख़त्म की है, इसको भी हम निकाल के रख ले रहे हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम बचे हुए जितने खड़े मसाले हैं उन सभी को एक साथ डाल के भून ले रहे हैं, यानी कि मेथी, सौंफ, जीरा और ये अजवाइन। भूनना क्या है, बस थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म करना है, यानी मुश्किल से 2 से 3 मिनट ऐसे ही आप चलाते रहिए, हल्का सा मॉइस्चर ख़त्म हो गया, निकाल के रख दीजिए। ये देखिए ये सारे के सारे मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे।
मसाले ठंडे हो गए हैं और हम मसालों को पीस ले रहे हैं। इनको हम ग्राइंडिंग जार में डाल दे रहे हैं। सारे मसालों को एक साथ ही डाल देंगे और अब हम इनको थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमने मसालों को पीस लिया है। हमको इसी तरह से मसाले चाहिए, हल्के से दरदरे टाइप में हों, ताकि मुंह में हमारे खाते समय आए। ये देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हमें बस थोड़ा सा ही गर्म करना है, यानी कि लगभग 2 मिनट के लगभग, जितनी देर में इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए, हमारे तेल से हल्की हल्की हीट आने लगी है, यानी कि हमारे तेल का कच्चापन खत्म हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, आप बस कोई भी बर्तन हो आप ले सकते हैं। ये हमारा लहसुन भी हम ऊपर से लेकर आ गए हैं। इसका अंदर का जो मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि सूख गया है लहसुन। अब हम लहसुन में जो सबसे पहले हमने मसाले पीस के रखे थे भून के, उसे डाल दे रहे हैं। उसके बाद से जो हमारे पास पहले से ही पीसे हुए मसाले रखे थे, जैसे ये हल्दी, आधा चम्मच हम हल्दी डाल दे रहे हैं। ये हम लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर की आप क्वांटिटी और अधिक बढ़ा सकते हैं, अगर आपको बहुत चटपटा मसाला चाहिए तो, यानी अचार चाहिए तो। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं। काला नमक हमने 2 चम्मच के लगभग डाल दिया है। अब हम सफ़ेद नमक डाल रहे हैं। सफ़ेद नमक हमने सिर्फ 1 ही चम्मच डाला है। ये हींग है, हींग आधी डिब्बी हींग था, हमने पूरा डाल दिया है। और अब हम इसमें सिरका डालेंगे। 1 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें सिरका डालेंगे। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं या साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं अचार को, अगर आप खट्टा नहीं पसंद कर रहे हो तो। अब सभी सामग्री को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमने सरसों का तेल गरम करके रखा था, अब हम वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अगर हमें सरसों का तेल कम लगेगा तो हम ऊपर से और थोड़ा सा गरम करके डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से मिल गया है और तेल भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सही है, क्योंकि जब ये लहसुन गलेगा तो तेल थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब मैं इस अचार को एक कांच के बॉटल में डाल दे रही हूँ और इसको लगभग 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक हमें धूप दिखाना है। वैसे हमारा अचार तैयार है, रेडी है, बट इसमें थोड़ा सा कच्चापन तेल का आता है। आप लोग भी अपने घर में आसानी से इस लहसुन के अचार को बना सकते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब मैं इसे रख दे रही हूँ धूप में, लगभग से 3 दिन बाद हम इसे देखेंगे। ये देखिए, लगभग 2 से 3 दिन बाद हमने देखा। ये देखिए, तेल पूरा देखिए ऊपर आ गया है। ये देखिए, और हमारा अचार बिल्कुल रेडी है, एकदम खाने के लिए तैयार है। हमारा लहसुन का अचार बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घर पे इस अचार को बनाइए, खाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।